हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ते। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये हैं। मैं ले रही हूँ 1/2 kg बीफ का कीमा, चने 2 tablespoon, नमक 1/2 teaspoon, पिसा हुआ गरम मसाला 1 tablespoon, कुटी हुई लाल मिर्च 1 tablespoon, खशखाश 1 tablespoon, ज़ीरा 1 tablespoon, लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 teaspoon, प्याज मैंने एक प्याज ले ली है, उसको मैंने कट कर लिया, रफली चॉप कर लें आप इसको। हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, और ये 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। चलिए अब इन चीज़ों को हम ग्राइंड करते हैं। सबसे पहले इनको डाल के पीसेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के ग्राइंड करेंगे। इसमें कीमा डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को एक साथ ग्राइंड कर लिए। और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से, ये देखें, सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गई। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें, मैंने इसको पीस लिए। अब हम इसके जितने आपको रखना हो उतनी बॉल्स बनाएंगे। थोड़ा सा मैं ऑयल अपने हाथों पे लगाऊंगी और इसके हम बॉल्स बना लेंगे। जो साइज़ आपको रखना हो आप उसी हिसाब से। हम इनकी सारी बॉल्स बना लेते हैं। ये देखें, मैंने ये बॉल्स बना ली हैं। इस तरह से ये कोफ्ते हमारे तैयार हो गए। इनको हम एक साइड पे कर देते हैं। अब हम इसी ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद प्याज जो मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, खड़े गरम मसाले चाहिए थोड़े से, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी लौंग और ये 3 मैंने काली मिर्च ली, नमक हसबे जायका, धनिया 1 tablespoon, हल्दी 1/2 teaspoon, पिसी हुई लाल मिर्च 2 tablespoon और ये मैंने 2 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 1 cup दही। सब इसके लिए अब हम इसमें हम डालेंगे 1/2 cup ऑयल। इसमें अब हम प्याज फ्राई कर लेंगे। मैं प्याज डाल रही हूँ, उसको हम फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज जो है ब्राउन होने वाली है। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन करना है। अब हम इसको निकाल देंगे। ये देखें, ये मैंने प्याज फ्राई की है। अब मैं इसको पीस लूँगी। दो प्याज ये थी जिनको मैंने हल्का सा फ्राई किया, इसको पीसूँगी, और एक मैं कच्ची प्याज पीसूँगी इसके साथ। चले मैं हम इसको पीस लेते हैं। ये देखें, मैंने पीस लिए। अब ऑयल में हमने जो ये खड़े गरम मसाले रखे थे थोड़े से डालेंगे। और ये जो हमने एक कच्ची प्याज और दो फ्राई प्याज को एक साथ पीसा था, अब वो डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। सूखा धनिया डालेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी और किसी का। अब हम इसको इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इतना भूनेंगे इसको कि इस पर रोगन ऊपर आ जाए। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता इस पर रोगन आना शुरू हो रहा है। इसको नमक डाल देंगे। मसाला अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट्स या 5 मिनट के लिए उसको सुनने के लिए छोड़ देंगे। तो कवर कर देते हैं। ये देखिए, मसाला अच्छी तरह से भून गया है, ये ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर अपने कोफ्ते डालेंगे। कोफ्ते बहुत आराम से डालेंगे। चमचा नहीं चलाएंगे और इसको हिला देंगे हल्के से। हमारे कोफ्ते बन गए, इनको हम थोड़ा सा भूनेंगे। फिर हम इसके अंदर 1 कप दही शामिल करेंगे। मैंने इसके अंदर 1 कप दही शामिल कर दिया। हल्के हाथ से चमचा चलाएंगे। दही डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। 1 कप पानी डालने के बाद हम इसकी आँच को ठीक करके और इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारे कोफ्ते तैयार हुए या नहीं। ये देखें, ऑयल अलग हो गया है, मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। और ये देखें, फाइन लुक हमारे कोफ्ते बिल्कुल डन हो गए। अब हम इसमें ये 2 हरी मिर्चें डालेंगे साबुत, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, और थोड़ा सा हरा धनिया।
कर लेते हैं। ये इसकी फाइनल लुक है। इसको आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, जिस चीज़ के साथ आपको पसंद हो आप उसके साथ खाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आज आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी, जब तक इन्हें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।